हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद आर्ना। टुडे आज फिर से मैंने जो है एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लिया है क्लास 10 का। और ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, सीबीएसई 2012 में भी आया हुआ है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। इसकी फिगर बनाने का खेल ही है जैसे कि। तो ये क्या कह रहा है, एक बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टावर के बॉटम को देख रहे हो आप, तो 60 डिग्री बन रहा है ना। और 60 मीटर हाई क्या है, हमारी बिल्डिंग है। तो मैंने मान लिया ए बी क्या है, मेरी बिल्डिंग है और वो कितनी हाइट पे है, 60 मीटर हाइट पे है, ठीक है। एक टावर है तो टावर मान लेते हैं, ये मेरी क्या है, टावर है, ठीक है, ये मेरी क्या है, टावर है। टावर की हाइट मुझे निकालनी है, इसको मैं एच मान लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे लेवल करना पड़ता है। अब मैं क्या देख रही हूँ, इसके टॉप से, ठीक है, बिल्डिंग है ये टावर है, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसके बॉटम पे, दैट इज आर ऑब्जर्व्ड टू बी, वो हमारा जो बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर टू बी, हाँ, तो बॉटम का तो बन रहा है 60 डिग्री, और इससे अगर मैं इसके टॉप को देख रही हूँ तो वो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक। अगर मैं बिल्डिंग के टॉप से बिल्डिंग टावर के टॉप को देख रही हूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, और अगर मैं बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम को देख रही हूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 60 डिग्री। याद कर लो, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखना, डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखना। तो ये 60 है पूरा, तो ये भी 60 डिग्री होगा, और ये 30 है, इसको इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इसको ई मान लेते हैं, ये फिगर बनाने का तरीका होता है। अब मेरी फिगर बन गई, अब इसको हम जो थोड़ा वो कर लेते हैं, लेवलिंग कर लेते हैं इसकी क्या क्या है, और उसके बाद बस ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं मुझे, सी बी ई और डी बी ए, इन्हीं का दो का यूज़ करते हुए जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए वो हम निकाल लेंगे। तो देखो, पहले हम ये इसको कर लेते हैं, ये मेरा रेक्टेंगल बन गया, तो जितना सी ई होगा उतना डी ए होगा, जितना सी डी होगा उतना ई ए होगा। तो सी डी एच है, मैंने लेट किया है, तो ये भी हमारा एच होगा, ठीक है। और इस वाले को हम अगर लेट कर लूँ मैं एक्स, दोनों के बीच की दूरी, तो ये भी एक्स होगा। और ये पूरा 60 है, ये h है, तो आपका जो ये बचेगा वो बचेगा 60 माइनस h, ठीक। अब हम देखते हैं, लिख लेते हैं, पहले हम थोड़ा लेट कर लेते हैं, लेट h बी द हाइट ऑफ द टावर एंड x बी द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, ठीक है। फिर मैं देखो इस वाले ट्राइंगल में लगाती हूँ, पहले इन ट्राइंगल डी बी ए, इन ट्राइंगल डी बी ए, जब मैं डी बी ए में लगाऊंगी तो मैं लगाऊंगी, मुझे भाई परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, ठीक है, मुझे एक्स निकालना है यहाँ पे, तो ये पूरा मुझे ये पता है ए बी, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस वाले ट्राइंगल में हम सीधा सीधा एक्स की वैल्यू रखेंगे तो एच आ जाएगा, वही मुझे निकालना है। तो मैं लगाऊंगी टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस, यानी कि ए डी। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी है मेरा 60 और ए डी है एक्स, तो मेरा एक्स आया 60 बाय √3। इसको मैं रेशनलाइज कर लूँगी, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 60 √3 बाय 3, ये कट जाएगा 20,
मेरा आएगा 20√3, ठीक है, 20√3 मीटर एक्स आ गई, यानी कि दोनों के बीच की दूरी 20√3 है। ये मुझे फाइंड आउट नहीं करनी, बस मुझे एच निकालने के लिए इसको रिप्लेस करना था, तो वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं लगाती हूँ इन ट्राइंगल सी बी ई, ये वाले ट्राइंगल में, सी बी ई में, तो हम लगाएंगे इन ट्राइंगल सी बी ई। सी बी ई में भी हमारा 10√30 ही लगेगा, 10√30 की वैल्यू होगी बी ई अपॉन सी ई, ठीक है। बी ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है 1/√3, बी ई है 60 माइनस एच, सी ई हमारी एक्स ही होगी, एक्स आप निकाल चुके हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आएगा 20√3, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन √3, ऐसे रहने दो क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 माइनस एच। देखो यहाँ से √3 कैंसिल आउट, एच आएगा 60 माइनस 20, एच की वैल्यू आई 40 मीटर, यानी कि द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर। द रिक्वायर्ड हाइट कितनी आई हमारी टावर की, 40 मीटर आई, और इजी क्वेश्चन था। बस थोड़ा डिप्रेशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एलिवेशन याद रखो नीचे से ऊपर देखना, डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखना, और बस हमेशा दो ट्राइंगल बनते हैं और जो हमें चाहिए होता है उसको रख लेते हैं, बाकी को एलिमिनेट कर देते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।